इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस सब तरफ फैलते हुए नज़र आ रहे, तकरीबन 130 मुल्कों को अपनी जद में ले चुका है, हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं बेलगाम शहर के मारूफ डॉक्टर आदिल इनामदार साहब, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जैसे कि अभी एक मीटिंग भी हुई कि साफ़ सफाई के ताल्लुक से, तो क्या एहतियात बरतना चाहिए कि लोगों में इस कदर? इतना ही, अगर किसी को इसके कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो बस अपने आप को अलग कर देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट। और कोई छोटी मोटी चीज़, सर्दी खांसी के लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है, बस अपने डॉक्टर से मिल लीजिए और उससे इलाज कर लीजिए। सेकेंड, जो भी जब भी आप कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं या पब्लिक कोई भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, अपने हाथ साफ़ रखिए और जितना हो सके उतना सैनिटाइज़र्स यूज़ करिए। अगर कोई बंदा अगर लग रहा है कि इसको कोई सर्दी ज़ुकाम है या कोई सिम्टम्स है, तो इमीडिएटली उससे थोड़ा एक मीटर से दूर रहिए बस। है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे 130 करोड़ का मुल्क है हमारा जी, सिर्फ 3 मौतें अब तक हुई है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में काफ़ी कम है। देखो, अभी जो वायरस निकल रहा है, अभी जो वायरस के केसेस आ रहे हैं, उसके जो पोटेंसी बोलते हैं, जो इन्फेक्शन है, वो काफ़ी कम है, तो एक अच्छी चीज़ है, वो एक अच्छी खबर है अपने लिए। लेकिन ये होने की वजह से हम लोग बस रिलैक्स नहीं होना है, प्रिवेंशन करना है बस। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अभी ये नहीं समझना है कि ये इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका है कि हम लोग सब डरना है, सभी अपने घर पर बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रिवेंशन करना है, लोग जितना हो सके उतना जमना नहीं है एक जगह पर। और अगर किसी वजह से अगर लग रहा है कि आपको ज़रूरी है जाना है, पब्लिक में जाना है और जमना है, तो मेक श्योर कि वो सिर्फ थोड़े देर के लिए है, ऐसा नहीं करना है घंटों चलो बैठ गए कोई बात कर लिए, वो सब कम करना है। नहीं डॉक्टर साहब, यानी कि इसे हटकर मैं सवाल करूँगा कि क्या ये वाकई इतना डरने जैसा है या इसको ये क्रिएटेड है क्या? नहीं, क्रिएटेड तो नहीं बोल सकते। अभी देखिए, जब दुनिया में चाइना में इतने मौत हो चुके हैं, इटली में इतने ज़्यादा हो गए, ईरान में इतने ज़्यादा है, अपने इंडिया में अभी होना नहीं चाहिए बल्कि प्रिवेंशन है बस। है, डरने की कोई बात नहीं है। कोरोना वायरस अगर देखे तो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, इसके वैक्सीन 2015 में बने हुए थे ऐसा कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी तक बिल गेट्स फाउंडेशन की नहीं, नहीं अभी तक इसके कोरोना वायरस के वैक्सीन बनी हुई नहीं है, बस ट्रायल चल रहे हैं और अभी सिर्फ ट्रायल फेज़ में है। एक बार ट्रायल फेज़ होने के बाद FDA अप्रूव होना है, बाद में मार्केट में आएगा। मतलब ये दुनिया एक तरह से दुनिया को एक तरह का ये मुसीबत के तौर पर ये पेश आया हुआ है कोरोना है सब। डेफिनेटली मुसीबत तो है ही है, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग जब कुछ नहीं है चलो इंडिया में नहीं है हम लोग आराम से रहेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि चलो नहीं है मतलब प्रिवेंशन छोड़ दो, प्रिवेंशन करना ही है। प्रिवेंशन नहीं किया तो अपने तरफ से गलती है। अब इटली में अगर देखें आप, January 30th को सिर्फ 120 केसेस थे, आज अगर देखें तो हज़ारों में है। क्यों? बिकॉज वहाँ के लोग प्रिवेंशन नहीं किया है। प्रिवेंशन का मतलब आप घर पर बैठना नहीं है, लेकिन अपने आप को सेग्रीगेट कर दो। अगर आपको लगा है कि थोड़े भी कोई सिम्टम्स है, इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आदिल इनामदार साहब, जो बेलगाम के मशहूर व मारूफ डॉक्टर हैं। उन्होंने भी यही कहा कि हम जो है हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते, बल्कि हाथ धोकर सफाई का ख्याल रखते हुए इसके एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जो अभी तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदारान उलमा इकराम से भी यही मशवरा किया। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।